हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी जो कार मेकर्स है वो अपनी कार्स का जो डीजल इंजन आता है वो धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करते जा रहे हैं। यानी कि जो अपने मॉडल्स होते हैं उसमें आपको आगे जाके सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नियम्स और प्रदूषण ऐसे कुछ वजह से, यानी कि ऐसे कुछ कारणों की वजह से वो डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करते जा रहे हैं। वैसे तो हालांकि जो डीजल इंजन होता है वो पेट्रोल के मुकाबले आपको ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, उसी के साथ साथ जो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो भी आपको पेट्रोल के कंपेरिजन में आपको बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं पे जो पेट्रोल के कंपेरिजन में हम डीजल इंजन की माइलेज की बात करें तो वो भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और हाँ, जो उसकी डीजल जो इंजन होता है वो पेट्रोल कंपेरिजन में आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी ऐसी कुछ कार्स है जो आपको 10 लाख के बजट में डीजल एंड पेट्रोल इंजन दोनों आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सबसे पहली कार है हुंडई की ग्रैंड आई10 नियोस एंड ओरा, जिसमें आपको बेसिकली सेम ही इंजन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके पेट्रोल में हमें 1.2 लीटर एंड 1 लीटर टर्बो इंजन देखने को मिलता है। जो 1.2 लीटर इंजन है वो 83 पीएस का पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पर जो 1 लीटर टर्बो इंजन है वो 100 पीएस का पावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। जो 1.2 लीटर है उसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और AMT देखने को मिल जाता है ट्रांसमिशन। वहीं पर जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके साथ आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। और इसकी जो प्राइस है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं पर जो डीजल इंजन है वो आपको 1.2 लीटर में देखने को मिलता है, जो कि 75 पीएस का पावर जनरेट करता है और 190 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों गियर्स को ऑफर किए जाते हैं। और इसकी भी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है फोर्ड फिगो एस्पायर एंड फ्री स्टाइल। तो इन तीनों में आपको बेसिकली दो इंजन प्रोवाइड किए जाते हैं। जो पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 97 पीएस का पावर जनरेट करता है और 119 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं पर जो डीजल इंजन है उसके साथ आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 100 पीएस का पावर जनरेट करता है और 219 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। और इसके साथ भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ऑफर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कार है टाटा की अल्ट्रोज, जिसके अंदर आपको बेसिकली तीन इंजन प्रोवाइड किए जाते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। तो जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो आपको 83 पीएस का पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देता है, और उसके साथ साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो टर्बो पेट्रोल इंजन है 1 लीटर का, वो आपको 110 पीएस का पावर देता है और 140 एनएम का टॉर्क देता है, और उसके साथ भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। वैसे इसका जो पेट्रोल वेरियंट है, यानी कि पेट्रोल टर्बो इंजन है, वो आपको काफ़ी एक अच्छा पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है। और इसकी हम डीजल वेरिएंट की बात करें, यानी कि डीजल इंजन की बात करें, तो डीजल में आपको सिर्फ एक ही इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 90 पीएस का पावर जनरेट करता है और 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। इस दोनों की आपकी प्राइस है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है होंडा की अमेज। तो दोस्तों होंडा की अमेज में आपको बेसिकली दो इंजन प्रोवाइड किए जाते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 90 पीएस का पावर जनरेट करता है और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और CVT दो गियरबॉक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं पर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैनुअल गियरबॉक्स में 100 पीएस का पावर और CVT गियरबॉक्स में 80 पीएस का पावर जनरेट करता है। और वहीं पर जो 200 एनएम का टॉर्क आपको मैनुअल गियरबॉक्स में और 160 एनएम का टॉर्क आपको CVT गियरबॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा, आपको 5 स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है। और इसकी दोनों वेरिएंट, यानी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आती है हुंडई की आई20, जिसके हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो 83 पीएस का पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पर जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है वो 120 पीएस का पावर और 175 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल और CVT पेट्रोल वेरिएंट के लिए, यानी कि 1.2 लीटर के लिए, और जो 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT है वो आपको टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के लिए देखने को मिल जाता है।
दोस्तों हम यहाँ पर इसकी डीजल इंजन की बात करें तो डीजल में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता है जो कि 100 पीएस का पावर जनरेट करता है और 240 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है। और पेट्रोल और डीजल जो वेरियंट है यानी कि इंजन से, उसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे इसकी प्राइस है वो आपको थोड़ी सी जो टॉप वेरियंट है उसका आपको 10 लाख से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वैसे तो अगर आपको 10 लाख के अंदर लेनी हो तो आप ऑब्वियस इसके 10 लाख अंदर वाले वेरिएंट चूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कार है होंडा की WRV, जिसकी हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 90 पीएस का पावर और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है। और दोस्तों इसके हम डीजल इंजन की बात करें तो डीजल में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड करता है जो कि 100 पीएस का पावर और 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है, यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों में से आपको किसी में भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों हम इसके बाद नेक्स्ट कार की बात करें तो वो है किया की सोनेट, जिसका जो पेट्रोल इंजन है वो आपको 1.2 लीटर का और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो 83 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है। वहीं पर जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन है 1 लीटर का, वो 120 पीएस की पावर जनरेट करता है और 175 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है, जो कि आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन में देखने को मिलेगा। और इसके हम डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता है जो कि 100 पीएस का पावर जनरेट करता है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और 115 पीएस का पावर जनरेट करता है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, और इसकी 140 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। और इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है, और इसकी जो प्राइस है वो आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो सोनेट है वो आपको 10 लाख के अंदर अंदर जो डीजल के साथ आपको ऑटोमेटिक जो गियरबॉक्स आता है वो प्रोवाइड करती है। वैसे तो जो XUV300 और नेक्सोन है वो भी आपको 10 लाख के अंदर अंदर जो है यानी कि डीजल इंजन है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें आपको जो ऑटोमेटिक लेना चाहो तो आप 10 लाख के ऊपर का आपका बजट चला जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कार है हुंडई की वेन्यू, जिसके हम पेट्रोल और डीजल इंजन की बात करें तो आपको सेम किया की सोनेट के जैसे ही देखने को मिलते हैं, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सोनेट में आपको वेन्यू के जैसे इंजन प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम जिसके पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। जो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो 83 पीएस का पावर जनरेट करता है, 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ आपको 6 स्पीड IMT ऑफर करता है। और इसका जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है वो आपको 120 पीएस का पावर, 175 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 7 स्पीड DCT जो गियरबॉक्स आता है वो देखने को मिल जाता है, और उसके साथ भी आपको 6 स्पीड IMT गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इसकी डीजल के इंजन की बात करें तो डीजल इंजन आपको 1.5 लीटर का देखने को मिलता है जो कि 100 पीएस का पावर जनरेट करता है, 240 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है। और इन दोनों की प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों इसकी डीजल इंजन है उसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जिस यानी कि जो किया कि सोनेट है उसमें आपको डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट कार की बात करें तो वो है टाटा की नेक्सॉन, इसकी हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें देखने को मिल जाता है जो कि 120 पीएस का पावर जनरेट करता है और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स ऑफर किए जाते हैं। और इसके हम डीजल की बात करें तो डीजल में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 110 पीएस का पावर जनरेट करता है, 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और 6 स्पीड मैनुअल और AMT के साथ हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि डीजल और पेट्रोल में आपको सेम गियर बॉक्स ऑफर किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर लास्ट और नेक्स्ट है महिंद्रा की XUV300, जिसके साथ आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 110 पीएस का पावर जनरेट करता है, 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, 6 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आपको ये अवेलेबल करवाया जाता है। और इसका जो डीजल इंजन आता है वो आपको 1.5 लीटर का देखने को मिलता है जो कि 117 पीएस का पावर जनरेट करता है, 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसकी आप प्राइस है वो स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो।
तो दोस्तों ये सारी कार्स है जो आपको 10 लाख के बजट में अभी भी पेट्रोल और डीजल इंजन प्रोवाइड करती है। वैसे पेट्रोल इंजन तो आपको सभी कार्स में अभी देखने को मिलता है, लेकिन डीजल इंजन आपको कई कई कार्स में ऑफर नहीं किया जाता है। तो अगर आप डीजल इंजन के दीवाने हो तो आप इन कार से उसको आप कंसिडर कर सकते हो 10 लाख के बजट में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में यही कुछ था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में।